अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर लर्न यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोग का मोस्ट वेलकम। कुलियात अदविया में हम लोग टर्मिनोलॉजीज़ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए कुछ नए के बारे में जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, इनके टर्म्स और इस ज़मरे में, इस ग्रुप में कौन सी दवाएँ आती हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। तो एक नया टर्म है जिसे हम कहते हैं हाबिसुद्दम। हाबिसुद्दम, हाबिसुद्दम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हीमोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ना है, समझना भी है कि ये क्या चीज़ है। हमारे पास ऐसी दवाएं हैं, ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जो अपनी कुव्वते काबिज़ा की वजह से, काबिज़ कुव्वत, जो किसी भी चीज़ पर कब्ज़ा कर ले, पकड़ ले, कुव्वते काबिज़ा की वजह से उरूक में, उरूक हम कहते हैं ब्लड वेसल्स को, उरूक में तंगी पैदा कर दे, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, तंगी पैदा कर दे। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, उरूक में आपकी आर्टरी, वीन और कैपलरीज ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और अगर अलग से कहा जाए तो इसको शराइन कहते हैं, इसको अवरदा कहते हैं, और कैपलरीज को उरूक शारिया, यानी बाल से भी पतली जो उरूक है, कैपलरीज वो। लेकिन पूरी बात कही जाए तो उरूक कहा जाता है ब्लड वेसल्स, इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो ये दवाएं स्पेशली क्या करती हैं, अपनी कैफियत, अपनी क्वालिटी की वजह से उनके अंदर जो अफ़आल हैं, कैसे अफ़आल हैं, कुव्वते काबिज़ा, किसी भी चीज़ को काबिज़ यानी कब्ज़ा करने वाली, रोक लेने वाली, पकड़ लेने वाली, तो ऐसी कुव्वत होने की वजह से ब्लड वेसल्स में, उरूक में तंगी ला देती है, उसको सिकोड़ देती है, रोक देती है। और ऐसा करने से जब तंगी पैदा होती है तो उसकी वजह से खून का अखराज रुक जाता है, जो खून बह रहा हो उसको रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। तो ऐसी दवाएं हाबिसुद्दम दवाएं कहलाती हैं जो अपनी कुव्वते काबिज़ा की वजह से उरूक में तंगी पैदा कर दें और खून को बहने से रोक दें। इसके एग्जांपल हैं शिब्बे यमानी, जिसे हम फिटकरी कहते हैं, शिब्बे यमानी, इसको अगर कहीं लगा दिया जाए स्किन पर, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये दवा खून को बहने से रोक देती है। कभी बार शॉप पे देखा होगा, अगर सेविंग वगैरह करा रहे हैं तो हल्का सा अगर ब्लेड से कट लग गया तो वो फिटकरी को रब कर देते हैं, तो शिब्बे यमानी, तो ये एक ऐसी दवा है जो हाबिसुद्दम प्रॉपर्टी शो करती है और खून को बहने से रोक देती है। उसी तरह माजू, माजू भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ गेरू। ये दो तीन दवाएं आपको याद रखनी है एग्जांपल के तौर पर, ये हाबिसुद्दम प्रॉपर्टीज़ की होती हैं। अब एक चीज़ आपको और पढ़ना है, ये दवाएं कुछ मुख्तलिफ तरीक़ों से, अलग अलग तरीके इनके हैं, सेवरल वेज हैं जिससे ये अपना काम ये अंजाम देती हैं, यानी दीज ड्रग्स स्टॉप ब्लीडिंग, स्टॉप ब्लीडिंग एंड एक्ट इन सेवरल वेज, यानी कुछ अलग अलग तरीक़ों से कुछ दवाएं एक्ट करती हैं। इनको हमें पढ़ना है, ये चार पांच पॉइंट्स अलग से हमें पढ़ने हैं कि भाई कैसे ये दवाएं खून को रोकती हैं और उनका थोड़ा सा कुछ अलग तरीका है। तो जो भी हाबिसुद्दम दवाएं, हीमोस्टैटिक्स दवाएं जो हैं, तो हाबिसुद्दम कहें या हाबिस खून कहें, ये दवाएँ स्पेशली जो अभी करंट टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, जो जदीद तरीका है, इसमें सिर्फ ज़्यादातर जो उरूक की सतह को सिकोड़ कर खून को रोकती हैं, ब्लीडिंग को रोक देती हैं, लेकिन जो तिब्बे यूनानी है, हमारा यूनानी तरीका इलाज है, उसमें बहुत सारी अलग दवाएं भी हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, कुछ लेसदार दवाएं जो लोआब वाली हैं, लेसदार यानी लोआबी दवाएँ, जो चिपचिपी दवाएँ, उनको इस्तेमाल करते हैं खून को बहने से रोकने के लिए। दूसरा है बारिद दवाएँ, जो ठंडी मिजाज की होती हैं, बरूदत वाली होती हैं, उनको हम इस्तेमाल कराते हैं खून को बहने से रोकने के लिए। तीसरे नंबर पे कुछ मुखद्दर दवाएँ हैं, एनेस्थेटिक दवाएँ, तो इनको भी इस्तेमाल करते हैं हम खून को बहने से रोकने के लिए। और साथ ही साथ एक चौथे नंबर पर एक और तरीका है जो हम इस्तेमाल करते हैं हाबिसुद्दम के लिए, वो है रादे, डाइवर्टेंट जिसे कहते हैं, रादी, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं हाबिसुद्दम प्रॉपर्टी शो करने के लिए। तो इन चारों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ताकि पूरा का पूरा हाबिसुद्दम आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हाबिसुद्दम में सबसे फर्स्ट नंबर पे ऐसी दवाएं हैं, दीज ड्रग्स ऐसी दवाएं हैं
जो लेसदार होती हैं या लोआबी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, लोआबदार होती हैं, ये दवाएं उरूक के मुंह को बंद कर देती हैं, उरूक के मुंह को बंद कर देंगी। अगर कहीं कट लग गया है, अगर उस पर लगा दिया जाए ये लोआबी दवाएं, तो इसके उरूक को, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपलरीज हैं, उसको ये बंद कर देंगी। और इसके एग्जांपल हैं लोआब बारतंग, बारतंग का लोआब, उसका म्यूसिलेज जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं खून को बहने से रोकने के लिए। तो इंग्लिश में इसको कुछ समझ लें, देखिए, सम ड्रग्स आर म्यूसिलेज या म्यूसिलेजिनस एंड स्टिकी इन नेचर, चिपचिपी होती हैं, स्टिकी इन नेचर, और ये क्या करती हैं, इस वजह से म्यूसिलेज हैं और स्टिकी इन नेचर हैं, इस वजह से वो कोट कर देती हैं, कोटिंग कर देती हैं, कोट कर देती हैं किस चीज़ को, माउथ ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स के मुंह को, माउथ ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको कोट कर देंगी, क्लोज कर देंगी, और इस कोटिंग की वजह से ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती हैं, स्टॉप द ब्लड, ब्लड को रोक देती हैं, खून को बहने से रोक देती हैं। तो ये था आपका सबसे नंबर फर्स्ट, लेसदार और लोआबी दवाएं जो उरूक के मुंह को बंद कर देती हैं। दूसरा तरीका हबसुद्दम का, ऐसी दवाएं, ऐसी ड्रग्स जो शदीद बरूदत की हामिल होती हैं, जिनके अंदर बहुत ठंडक होती है, शदीद बरूदत, उनके अंदर बरूदत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो खून को रोक देती हैं, खून को रोक देती हैं, और इसके एग्ज़ाम्पल हैं सुमाक, सुमाक। अब देखिए, आप लोगों ने कभी बर्फ़ को हाथ में लिया हो अगर, तो ज़्यादा देर तक बर्फ़ को हाथ में लेने से हाथ सफ़ेद होने लगता है, तो उससे जो खून होता है इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है, तो उस ठंडक की वजह से। तो इस तरह ये भी जो दवाएं हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं सुमाक, तो इसकी जो बरूदत है उसकी वजह से वहाँ पर जो खून बह रहा हो वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है इसकी ठंडक की वजह से, और उससे खून की बहने की रफ्तार कम हो जाती है। इंग्लिश में इसको समझ लें, सम ड्रग्स हैविंग कोल्ड प्रॉपर्टीज़, यानी उनके अंदर ठंडक वाली प्रॉपर्टीज़ होती है, एंड दे स्टॉप द ब्लड बाय देयर कोल्डनेस, अपने बरूदत की वजह से ये ठंडक पहुंचाकर खून को बहने से रोक देती हैं, तो हबसुद्दम प्रॉपर्टीज शो करती हैं। तो तीसरे नंबर पर ऐसी दवाएँ, दीज ड्रग्स, कुछ ऐसी दवाएं हमारे पास हैं जो खून की रफ्तार को, खून की रफ्तार को कम कर देती हैं, ये डिक्रीज़ कर देंगी खून की रफ्तार को ही, तो ऐसा करने से खून के बहने की जो कैफियत है, तेज़ बह रहा है वो स्लो हो जाएगा। इसके एग्जांपल हैं अफ्यून, मुखद्दर दवा, मैंने आपको बताया था कि मुखद्दर दवा भी खून को बहने से रोकती है, तो ये स्लो कर देती है, इस्पेशली ये ओवरऑल ब्लड के बहने को ही स्लो कर देती है, तो उसकी वजह से ये खून का बहना कम हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है लुफाह, ये सब दवाएं मुखद्दर कहलाती हैं, नारकोटिक या एनेस्थेटिक में आती हैं, ये नारकोटिक या एनेस्थेटिक दवाएं दिल के अफाल को कम कर देती हैं, इस वजह से खून बहुत ज़्यादा नहीं बहता, तो जितना उसका प्रेशर होता है बहने का वो कम हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे थी मुखद्दर, कुछ दवाएं जो खून की रफ्तार को ही डिक्रीज़ कर देती हैं और बहने की कैफियत को रोक देती हैं। तो दीज ड्रग्स हैविंग नारकोटिक प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर नारकोटिक या एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, और इसकी वजह से ये स्लो कर देंगे ब्लड फ्लो को ये स्लो कर देंगे, और उसके साथ ही साथ जब कहीं भी किसी चीज़ का फ्लो कम हो जाएगा तो ओवरऑल उसका बहना या बाहर निकलना वो भी कम हो जाएगा, तो इस वजह से वो स्टॉप कर देती हैं ब्लड के सिक्रीशन को, जो ब्लड का बहाव है, बह रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, उसको ये रोक देती हैं। फोर्थ नंबर पे कुछ ऐसी दवाएं हैं जो खून को वापस कर देती हैं। स्पेशली इसमें क्या होता है ये समझना है आपको, जैसे कोई भी ब्लड वेसल्स है और कुछ कैपलरीज हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ कट लग गया है यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया पर, और खून का बहाव तेज़ है, तो जब वो दवाएं इस्तेमाल करेंगे, कौन सी दवाएं, रादे दवाएं या डाइवर्टेंट दवाएं, तो इस कैपलरीज में जाने से पहले, इस ब्लड वेसल्स में
खून जाने की बजाय इस तरफ बहने लगेगा, इस दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसमें वापस लौटाने का मतलब यहाँ से वापस कर दिया, इस कैपिलरीज से वापस कर दिया, वहाँ की ब्लड वेसल से उस खून को वापस कर दिया और दूसरे में भेज दे रहा है कि दूसरी तरफ चली जाए, क्योंकि यहाँ इंजरी है, यहाँ खून बह रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऐसी दवाएँ जो ब्लड को दूसरी तरफ बहा दें, वापस कर दें, लौटा दें, तो वो राधे या डाइवर्टेंट कहलाती हैं। तो सम ड्रग डाइवर्ट द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, इसमें एग्जांपल है हब्बुल आस, ठीक है, हब्बुल आस, ये डाइवर्टेंट प्रॉपर्टी शो करती है, तो खून के बहने को वो भी कम कर देती है। जिधर कट लगा है उधर ज़्यादा बहाव नहीं होगा, उस बहाव को ये दवाएं लौटा देती हैं दूसरी ब्लड वेसल्स में। तो ये चार ओवरऑल आपने चीज़ों को सीखा कि कैसे ये दवाएं हाबिसु दम प्रॉपर्टी शो करेंगी। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि कुवते काबिज़ा की वजह से उरूक में तंगी पैदा कर देंगी, तो खून को रोका जा सकता है, हाबिसु दम हो गया। फिर आपने पढ़ा कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ अलग अलग तरीके हैं, जिसमें लोआबी दवाएँ आती हैं, बारिद दवाएँ, ठंडी दवाएँ आती हैं, कुछ मुखदर नारकोटिक आती हैं और कुछ रादे दवाएँ डाइवर्टेंट आती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया लोआबी दवाएँ, लोआबी बारतंग जो स्टिकी नेचर की होती हैं, सिलेज होती हैं, वो दवाएं आप इस्तेमाल करा दें तो कोट कर देती हैं मुंह पर और ब्लीडिंग को रोक देती हैं। दूसरा आपने पढ़ा शदीद बरूदत की वजह से, कोल्डनेस की वजह से, शदीद बरूदत की वजह से। फिर तीसरा आपने पढ़ा कि जो खून की रफ्तार को ही डिक्रीज कर दे, और चौथा आपने पढ़ा कि वो डाइवर्ट कर दे, ब्लड वेसल्स के अंदर ही खून को डाइवर्ट कर दे। तो ये ओवरऑल चार तरीके थे जो हीमोस्टेटिक्स प्रॉपर्टीज को शो करते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मुअर्रिक। मुअर्रिक देखिए, इसमें स्पेशली क्या होता है, कुछ ऐसी दवाएं हमारे पास हैं यूनानी तरीके इलाज में जिनको अगर इस्तेमाल कराया जाए तो वो आसाब के सिरों पर यानी नर्व एंडिंग पर ये अफेक्ट डालेंगे, क्या करेंगे, उनमें तहरीक पैदा करेंगे यानी उन्हें मुतहर्रिक कर देंगे, तहरीक पैदा करेंगे, और इसकी तहरीक पैदा होने की वजह से मसामात जो बदन के पोर्स हैं, बॉडी के जो छिद्र हैं जिन्हें हम मसामात कहते हैं, उनसे मादों को खारिज करने लगते हैं, उन मसामात से वो मादों को यानी मैटर्स को स्पेशली पसीना वगैरह उनको खारिज करने लगते हैं। तो ऐसी दवाएं मुअर्रिक कहलाती हैं जो पसीना लाती हैं, पसीने को खारिज करती हैं, तो मसामात यानी स्वेट ग्लैंड्स और पोर्स को ओपन कर देती हैं ये दवाएं। तो इसमें एग्जांपल है काफूर, कपूर जिसे कहते हैं, काफूर, अफ्यून भी ऐसी दवाएं, अगर बहुत ज़्यादा अफ्यून इस्तेमाल कर दिया जाए तो पूरे बदन पर पसीना आने लगता है। उसी तरह तुर्ब भी इसके एग्जांपल है, और शोरा भी इसका एग्जांपल है। तो ऐसी दवाएं जो मुअर्रिक हैं, पसीना लाती हैं, इंग्लिश में इसे समझ लें, दीज ड्रग्स एक्ट ऑन नर्व्स एंडिंग पर ये एक्ट करेंगी और क्या करेंगी, स्वेट ग्लैंड्स को ओपन कर देती हैं, खोल देती हैं, और खोलने के बाद स्पेशली डाइवर्ट कर देंगी बॉडी से कुछ मटेरियल जो बाहर निकालने हैं स्किन के ज़रिया, तो उस मटेरियल को भी डाइवर्ट कर देंगी टुवर्ड्स स्किन की तरफ, कि वहाँ पोर्स से वो मादे का अखराज हो जाए, बाहर निकल जाए टुवर्ड्स स्किन, और इसके ज़रिया यानी स्वेट्स पसीने के ज़रिया ये सारी चीज़ें खारिज हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो ये दवाएं स्पेशली इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कोई ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके पोर्स बंद हो एकदम, कहते पसीना ही नहीं होता, और उसको ओपन करना हो, थोड़ा पसीना लाना, तो ये नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है वो होनी चाहिए। या ऐसे मरीज़ जो कहते पसीना बहुत बदबूदार आता है, तो उन चीज़ों को सही करने के लिए आप ये सब दवाएँ इस्तेमाल कराते हैं, ताकि ओवरऑल जो पोर्स हैं स्किन के, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो अच्छा काम करें और पूरे जो स्किन की गंदगी है, पसीना वगैरह जो, उस सबको बाहर निकाल कर खारिज कर दे। तो मुअर्रिक दवाएं स्पेशली पसीना लाने वाली दवाएं होती हैं जो स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करके अपना अफ़आल जाहिर करती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से 10,000 सब्सक्राइबर, या कह लें तो लर्न यूनानी फैमिली जो पूरी हो गई है 10,000 लोगों की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डॉक्टर अब्दुल वारिस सलमान डॉज ऐप ये डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह जो फ्री कंटेंट है वो भी मिल जाएंगे, फ्री कंटेंट जिसमें नोट्स और कुछ वीडियो अलग से वो भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ कुछ बुक्स वगैरह वो मिलेंगी। और अगर आप अपने सब्जेक्ट में रजिस्टर होना चाहते हैं
उसकी जो बहुत ही मिनिमम थोड़ी बहुत फीस है उसको पे कर आप उस चीज़ को परचेस कर सकते हैं, जैसे पूरा कुल्लियात अदविया, मुफरदात, सैदला, मुरक्कबात, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल होती है 1 ईयर के लिए। उसमें आपको बैच में ऐड किया जाता है और आप वहाँ पूरा पढ़ सकते हैं अपने मन मुताबिक जब भी पढ़ना चाहें। जो लोग जूम पर लाइव क्लासेस नहीं कर पाते वो लोग एप्लीकेशन पर पढ़ लेते हैं तो उनका पूरा का पूरा सिलेबस वहाँ क्लियर हो जाता है। यूट्यूब पे भी वीडियोस आती रहती हैं लेकिन यहाँ वीडियोस थोड़े वक्त के बाद आती हैं। अगर आपको पूरा 2 से 3 महीने में सिलेबस कवर करना है तो आप एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।